हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल किरण होम क्रिएटिविटी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की नई बुनाई लेकर आई हूँ, जो मैं आपको एक छोटे से पैटर्न में डालकर बताऊंगी। ये मैंने कुछ इस तरीके से स्वेटर बनाया है, जेंट्स स्वेटर है, और ये कुछ इस तरीके से बुनाई है। ये देखिए फ्रेंड, इसके मैंने मुट्ठी अभी नहीं बनाए हैं। इस स्वेटर की मुट्ठी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरीके से मुट्ठी बिनती हूँ और किस तरीके से इन्हें सुई से उतारती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये मैंने छोटा सा नमूना इसमें पैटर्न डाला है, जिसमें मैंने ये 20 फंदे डाले हैं और ये पूरी बुनाई 20 फंदों की है। मैंने ये बीच में ये बुनाई डाल ली है। अब मैं आपको काट के बुनाई बताती हूँ कि मैंने ये किस तरीके से काटा है। इसको पहला फंदा मैं उतार लूँगी और ये जो 6 फंदे हैं, 2, 4, 6, जो ये छठा फंदा है, इसके नीचे मैं इस तरीके से फंदा उठाऊंगी, थोड़ा ढीला छोड़ूंगी और अंदर से इन दोनों फंदों को मैं बिन लूंगी थोड़ा टाइटली करके। फिर मुझे इसी में से दूसरा ऊपर वाला दूसरा ऊपर फंदा लेना है और मैं ये दोनों फंदे बिन लूंगी। फिर ये तीसरा फंदा इसी तरीके से फ्रेंड, ये मैं तीसरा फंदा बिन लूंगी। फिर ये मैं हर सलाई में से फंदे निकाल के बिनती जाऊंगी फ्रेंड। और ये लास्ट वाला फंदा मैं ऐसे ही बिन लूँगी। तो ये मेरी इस तरीके से बुनाई आती है। अब गांठों पे मैं गांठ ही बनाऊँगी। अपनी तरफ फंदा लिया और बिन लिया। फिर उसी तरीका से ये मेरी लास्ट का फंदा छोड़ के ये 6 फंदे हैं, इस छठे फंदे पर मैं फ्रेंड इसमें ऐसे फंदा लेती हूँ और ये मैं बिन लेती हूँ फ्रेंड। फिर मैं दूसरे में से फंदा लेती हूँ, बिन लेती हूँ। अभी 4 फंदे हैं, फिर मैं इसमें से फंदा लेती हूँ। मुझे नीचे से फंदा लेना है। फिर एक फंदा मैं इसमें से एक बार फिर लूंगी और इसको बिन लेती हूँ। फिर ऊपर से एक फंदा ये लेना है, इसको हम इस पर बिन लेते हैं। ये फंदा हमने बिन लिया और ये लास्ट का फंदा भी हमने बिन लिया। तो फ्रेंड, ये इस तरीके से मैंने काट कर बिनाई कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं ये बहुत इजी बिनाई है और बहुत अच्छे से पड़ जाती है। पीछे का हमें वो ही सादा बिनना है अपने तरफ सिलाई की और फंदा उतारा, बिन लिया, अपने तरफ सिलाई करी अगर आपको मेरे ये बुनाई पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट
और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी कुछ इस तरीके से बनाई है, ये देखिए फ्रेंड। अब हम सेम यही डिज़ाइन इसके ऊपर बनाएंगे। अब मैंने जिसपे नीचे मैंने बुनाई बनाई थी उसके ऊपर मैंने गांठे कर ली हैं, और जहाँ मैंने गांठे करी थी उसके ऊपर मैंने फली कर ली है। इस तरीके से हमारी बुनाई कट जाती है और ये कट कर बहुत अच्छी लगती है। जगह जगह पर आप डालेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। ये इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। और ये फ्रेंड बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पड़ जाती है। ये देखिए अब मैं गांठों पर गांठे बना लूँगी। अभी मैं फिर उसी तरीके से ये लास्ट वाले फंदे में से मैं इस तरीके से फंदा लूँगी और इसको थोड़ा ढील देकर ये इसमें मैं बिन लूँगी। फिर दूसरे में थोड़ा ढील देकर और मैं ये बिन लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, फिर तीसरे फंदे में ढील देकर इसको मैं बिन लूँगी। ये पीछे से थोड़ा टाइट मत उतारिएगा। ये देखिए ये पीछे से भी इस तरीके से आती है, ये टाइट मत उतारिएगा नहीं तो ये इसमें इकट्ठे हो जाएंगे फंदे सब। ये इस तरीके से आप हर फंदे में से आप फंदे ले लीजिए और ये साइड का फंदा बिन लीजिए। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी बिनाई ये भी पड़ गई। मैं इसमें गांठ बना देती हूँ। अब मैं आप इसी तरीके से अपने आप किसी बेबी के स्वेटर में बना के डाल दीजिए, जेंट्स के स्वेटर में डाल दीजिए, आप बहुत अच्छी लगेगी ये बिनाई। ये देखिए पीछे से इस तरीके से आई है फ्रेंड, ये देखिए ये पीछे से आई है और ये आगे की डिज़ाइन है। अगर आपको मेरी ये बुनाई अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।